आजम खां आपसे मुखातिब हूं और आप जानते हैं कि मेरी सारी जिंदगी और जिंदगी का अमल एक आईने की तरह आपके सामने माजी में भी रहा है, आज भी है और आप कल और आज से मेरे आने वाले कल का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझ पर, मेरे अपनों पर, मेरे प्यारों पर गुजरे हुए 4-5 साल में जो कुछ हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है और गालिबन ये एक ऐसी अफसोसनाक तारीख है जिस पर आने वाला कल हिंदुस्तान के इस निज़ाम जमहूरी पर ज़रूर तनकीद करेगा और कुछ ना कुछ अपनी राय पेश करेगा। रोज़े अव्वल से ज़िंदगी का मिशन यही था कि जो लोग बहुत कमज़ोर हैं, बहुत नज़रअंदाज हैं, उपेक्षित हैं और किसी मकसद के तहत पूरी दुनिया में अब बिलखसूस हमारे ही अपने मादरे वतन में एक ख़ास तबके को पीछे रखने के लिए जो मंसूबाबंद तहरीक है उसका मुकाबला भी किसी गैर मंसूबाबंद तहरीक से नहीं किया जा सकता। लाजिम था, लाजिम है और आने वाले वक्त भी शायद यही उसूल कामयाबी से गामजन होगा कि हम अपनी आने वाली कल की नस्लों के लिए कोई ऐसा नक्शा तैयार करें जिनमें अगर उनके लिए बहुत आसानियां ना हों तो वो सख्तियों को सहन कर सकें और एक नॉर्मल जिंदगी, एक आम जिंदगी गुजार सकें। हमारे बच्चों के अंदर सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। खूबियों की कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। आगे बढ़ने की हौसले की कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। ये मौका मिले हम इसके लिए कोशिश करें और तालीमी इदारे कायम करें। मैं उन तमाम लोगों से, साहिब हैसियत लोगों से, साहिब इक्तदार से जो ताकत में हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हो, माली तौर पर हो, अफसर हो, रिटायर्ड हो, सर्विस में हो।